मुझे ये पता करना था कि अमूमन हम लोग पार्टी को जब माल बेचते हैं तो उसकी अंडर बिलिंग हम करते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो क्या ये जायज है या नाजायज है? इसमें कोई हमारा कोई फायदा नहीं है, अगर हम कम बिलिंग करते हैं तो पार्टी जिसे हम माल बेचते हैं उसका ही फायदा होता है, उसे टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन हमारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप बता दें क्या ये जायज है या नाजायज है? देखिए, जो कुछ आप लिख रहे हैं उससे कहा जाएगा कि आप खिलाफ वाकई चीज लिख रहे हैं। एक डील हुई है मिसाल के तौर पर 10,000 की, आपने लिखी है 5,000 की, तो ये झूठ लिखना तो पाया गया। अब इस तरीके से झूठ लिखने की इजाज़त और गैर कानूनी काम करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? इससे तो मना ही किया जाएगा, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। ठीक है, मुझसे बाजू का ये होता है कि जो ये तो बड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम छोटे पैमाने पे भी देखें, अब बड़े पैमाने पे जो होता है वो तो होता है, छोटे पैमाने पे भी अगर हम देखें तो बाज़ुकात जो परचेज़र होते हैं मुख्तलिफ़ दुकानों पे, मुख्तलिफ़ इदारों में जो परचेज़र होते हैं, वो जाते ही उन दुकानों पे हैं जहाँ से बिल ज़्यादा बनाएगा। तो और दूसरी तरफ हम दुकानदारों से देखें तो दुकानदार भी ऐसी कंपनियों के अफराद को ढूंढ रहे होते हैं, और उनकी दायरे में कोई आ जाता है कि भाई ये फलां कंपनी का परचेज़र है, मार्केटिंग करता है उसकी, और जनाब उसके मार्केट ख़रीदारी करता है उसके लिए, तो अब ये ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये एक तो ये है कि कम बिल बना रहे हैं, दूसरा ये कम बिल बनाना बनवाना या ऑफर करना कि भाई आप हमारे से माल लो, हम आपको कम बना के देंगे। हाँ, इसमें ये होता है कि जो परचेजर आया होता है वो ये कहता है कि माल तो आप बिल तो बन रहा है 1,000 रुपये का, आप 1,500 का बना दो, 500 रुपये मैं जेब में रख लूंगा जी। और बहुत सारे दुकानदार ये सब काम कर रहे होते हैं। यहाँ तो देखें रिश्वत का देना पाया गया है, पिछले सवाल के मुकाबले में ये बहुत सख्त है। ठीक है, इसमें उसको रिश्वत के तौर पर रकम दी जा रही है, फिर जो उसका मालिक है उस मालिक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक, यानी हक्कुल अब्द का मामला यहाँ पर मौजूद है, और मालिक को ये नुकसान पहुंचाना, जरर पहुंचाना, ईजा पहुंचाना, ये कैसे जायज़ हो सकता है?